एक बेटी फिर से अपनी जान गंवा देती है। आप देख सकते हैं पूरा परिवार है। करनाल के चूरनी गांव में श्वेता की शादी होती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं एक माँ यहां पर पहुंची और अपनी बेटी का जो है पोस्टमार्टम करवा रही है। कल ही बताया जा रहा है ये एक बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि क्या कुछ हुआ, माँ को अभी तक जो है बॉडी नहीं दिखाई गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि श्वेता ने फांसी लगाकर जो है आत्महत्या कर ली। उनकी दो छोटी बच्चियां हैं और पहले से बताया जा रहा है जो परिवार है वो उनके साथ मारपीट किया करता था। ऐसे में रोजाना ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर दहेज के कारण या फिर परिवार ससुराल जो है उनकी मांगों के कारण बेटियां आत्महत्याएं कर रही हैं। लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब करनाल में फिर से ऐसा मामला सामने आया, बेहद ही दुखद ये मामला है। कहा जा रहा है पहले भी कई बार जो है लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, हालांकि परिवार के द्वारा जो है वापस जरूर बुला लिया जाता था श्वेता को, और वो शायद अपनी बच्चियों के कारण वापस चली भी जाती थी। लास्ट बार आपको फोन किया था तो क्या बात हुई थी उससे? कल 8 बजे करीब फोन आया था मेरे पास। मैं काम पर जा रही थी, बोली ना मम्मी मेरा सिर फोड़ दिया इसके पापा ने। मगर क्यों, क्या बात होगी बेटा? मम्मी गाली दे रहे गंदी गंदी बहुत ज्यादा। मम्मी तुझे भी गाली दे रहे, पापा को भी दे रहे, सबको गाली दे रहे घर में। मैंने कहा गाली क्यों दे रहे हो फिर तुम? इसी बात पर मेरा सिर फोड़ दिया। बोली नु ना तो घर में खर्चा देते नु कह, अपनी दवाई गोली के लिए लिया महंगे, वो कैप्सूल खाते हैं दवाई नशे के खाता है। बच्चियों को भी दुखी करे जाएगा खाने पीने से सब से उनको भी। मगर बेटी फिर क्या तू तो मगर किस बात के ऊपर हो गया? न मम्मी लड़ाई झगड़ा नहीं करता रहा। अभी मैं 3-4 दिन पहले भी मेरे सारों ने बजाया मेरे में, मेरे ससुर ने भी, मेरी सासू ने भी, मेरे देवर ने भी, हरीश ने भी, सारों ने मेरे पहली पटके सारी मारपीट करी थी। से मारते क्यों थे बताया था? पहले कुछ डिमांड करते थे? वो कहते थे शादी के बाद 6 महीने तक तो ठीक रही थी, उसके बाद में उसको टॉर्चर करने लगे। वो को अपने घर से कभी 10 लिया कभी 15,000 लिया। हमारे कभी खेती में नुकसान हो गया, हमारा इसमें हो गया, हम कहाँ से लाएंगे खर्चा? कभी कुछ उसको मांगते रह बैठे। वो कभी मम्मी ऐसे ऐसे मांगे हैं। बेटी मैं कहाँ से ला के दूंगी? तेरे पापा के घुटनों में दर्द हो रहा है, वो काम पर नहीं जाते, मैं मजदूरी पे जाऊँ, मैं अपना पेट पाल लूंगी, अब तुझे दूंगी बेटा कहाँ से करूंगी मैं? सारी जमा कुंजी मैंने लड़की की शादी में लगा दी जी, मेरे पास कुछ नहीं, अब सिर्फ मेहनत करती हूँ, अपना पेट पालती हूँ मैं दोनों के। श्वेता की शादी कितने साल पहले हुई थी और कौन से गांव में हुई थी? 3 साल 2 महीने हो गए जिसकी शादी को, 2 लड़कियां हैं उस पर। करनाल में हुई थी? करनाल जिले चूरनी गांव में। चूरनी गांव में हुई थी। तो ये जो बीच में लड़ाइयां होती थी तो पति तब ले जाता था वापस उसको? उसको छोटी लड़की पेट में थी जी, उसको उसको इतना मारा, सारों ने सारे में लील पड़ रहे थे उसको, और खूब मारा, ये कान भी सूज रहा था उसको। हल जाके दोनों भाइयों ने गली में डाली आए हुए, हमारे हमारे पड़ोसियों ने कहा नुके तो आपकी लड़की गली में पड़ी है। मतलब वो तो ससुराल में है। नुके नहीं देखो बाहर निकल के आपकी लड़की यहाँ पर पड़ी है गली में। हमने देखा भाग गए सारे सारे जने भाज के गए, देखा तो हमारी लड़की बेहोश पड़ी इस तरह से, और सारे में उसको लील पड़ रहे बिल्कुल, उसका बहुत बुरी कंडीशन हो रही थी उसकी। फिर हम उसे अस्पताल में ले गए, अस्पताल वालों ने मेडिकल करा उसका, बोले कि FRI करो जी। हमने महिला थाने में सोनीपत वहाँ पे रिपोर्ट करवाई थी, फिर मेडिकल वालों ने रेफर कर दिया खानपुर के लिए, नुका जी वहाँ पे लेकर जाओ, वहीं पर उसका इलाज चला, फिर वहीं से ठीक हुई। फिर उसको वो मनाने लग गया, कोई नहीं मारेगा तू ठीक रहेगी, अब नहीं कोई तेरे से ना कुछ मांगेगा ना कोई कुछ है, तू मेरे साथ चल। मेरे से बोली ना मम्मी मैं जाऊँ ना जाऊँ? मगर बेटे देख ले जब तू सारों ने मारे तो ना ये फिर मार देंगे। नहीं बोली मम्मी, 2 छोटी छोटी गुड़ियाँ है, यो एक छोटी गुड़िया है जब उस टाइम एक ही थी एक पेट में थी। बोली मम्मी ये ठोकरो में रल जाएगी, अरे दूसरा पेट में है, वीरान मट्टी हो जाएगी इनके लिए, मैं जाकर देख लूँ, अगर जो कोई इसकी बात होगी तो मैं आ जाऊँगी, और ना तो मैं पाल लूँगी बालकों को। मैं कहा बेटा देख ले,
फिर कई बार थोड़ी घनी हो जाती थी उनकी, फिर भी मैं समझा दी, मैं कहा बेटी कोई बात नहीं है, चलो हो जावा। फिर ठीक है, वो तो जी घर बसाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बसने दिया घर। इन्होंने तो कल जान से ही मार दिया सर। हमारे पास फोन गया, जब बस सात सुबह आया था 8 बजे, मम्मी मैं घर आऊंगी, मेरा सिर फाड़ दिया। और बेटी घर आ जाइए तो कोई बात ना है, वो घर में देख लेंगे जो भी होगा। उसके बाद में 10-11 बजे उसका मरते का ही फोन आया, फिर पुलिस वालों ने फोन करा था हमारे पास, तो कि जी आपकी लड़की ऐसे ऐसे हो गई है। पुलिस वाले ही वहाँ से ठाकर लाए थे हमें। पुलिस वालों ने कहा मके जी क्या हुआ था वहाँ पे, हमें तो ये भी नहीं पता क्या हुआ है, लड़की को किसी का कॉल भी नहीं आया। वो बोले कि जी आपकी लड़की ने सुसाइड किया है। मके जी मेरी लड़की सुसाइड नहीं करेगी, वो तो शाम को घर आने वाली थी, और सुबह जो मेरे से बात हुई थी उससे कोई मुझे ऐसा जारियत नहीं हुई कि वो सुसाइड करेगी, और सुसाइड करती भी तो आप उसकी जांच करो, क्यों करी उसने, किसके कारण करी। आप अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई अभी तक? अभी तक सारे आजाद घूम रहे हैं वे, सारे के सारे अस्पताल में भी किसी से अभी हमें चोरी से मिलने नहीं दिया, हम कल से पड़े हैं यहाँ पर। नहीं, आपने श्वेता को देखा था आखिरी बार? आखिरी बार जी नौरतों में देखा था, नौरतों में घर आई थी मेरे पास वो, बस उसके बाद में मेरे से उसकी कोई बेचारे की कोई भी जब से मुलाकात नहीं हुई है। फोन भी नहीं रखते थे वे, नहीं फोन पर बात करने देते थे उसको, कभी ये कोई चुगली कह दे या कोई बात यहाँ की कह दे, वह करवाते थे तो अपने सामने ही अपने फोन से ही बात करवाते थे, बाकी उसके पास अपना फोन कोई नहीं था जी। उसके पास बॉडी नहीं दिखाई जी, मेरी बेटी की बॉडी नहीं दिखाई। कल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी बेटी का चेहरा दिखा दो, नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिखाते हुए। हमने कहा उसकी सर में चोट लगी है, बेटी ने कहा था कि इस मम्मी सर फोड़ रखा। पुलिस वाले कहते कि सर कोई चोट नहीं है, अब हमें कुछ नहीं पता जी उसके बारे में, ये क्या घपला हो रहा है अंदर, क्या हो रहा है, हमें किसी से कोई मिलने नहीं जाने दे रहे लड़की के पास में। कि बुआ है, चाची है, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपने जब से देखा शादी हुई है श्वेता की, तब से कैसी वो हालत में रहती थी, क्या कुछ? मैडम थोड़े दिन तो ठीक रही, वो मेरे पास यूपी भी आई थी, वो कहती थी चाची मुझे मेरे देवर ने भी मारा, मेरी सास ने भी मारा, वो परेशान थी लड़की, वो खुश नहीं थी लड़की, पर अपने बच्चों की वजह से, बच्चों की वजह से वो वहाँ रहती थी, मेरे 2 बच्चे चाची। तो ये पहले भी किसी तरीके की डिमांड होती थी कुछ? सर ये तो डिमांड करते ही रहते थे, चलो हमारी लड़की ने चल कुछ भी करा, पर हमें दिखाते तो सर ये आपकी लड़की ने यह करा, हम देखते तो फांसी खाई है खाया, हमें तो कल से यहाँ पर पड़े, हमें सिकल तक नहीं दिखाई। अच्छा, लास्ट बार भी, लास्ट बार भी नहीं दिखाया, पुलिस वालों को लेके आगे, पुलिस वालों को देखना, तो हमें तो दिखाते उसके सिकल, हमें तो कहते भाई देख लो जैसे करना, हम देखते सुसाइड नोट है नहीं है, देखते तो सर क्या पता उन्होंने दुबका दिया, हमें तो अभी तक गाँव में भी नहीं पढ़ने दिया, कुछ नहीं करा उसने, बच्चे उनके पास ही आई, कोई भी नहीं, हम सारे अपने पीहर ही आई है, ससुराल से कोई नहीं है, उनकी तरफ से कोई फोन आया था, कुछ भी फोन नहीं आया ना, उन्होंने फोन करा हम तो बस पुलिस वालों ने फोन करा था कि आपके लड़के ने ऐसे ऐसे कर लिया है, तो लड़की के पास फोन भी नहीं था बताने के लिए, उसके पास फोन भी नहीं था, पहले हम बात कर ले करते, मेरे बच्चे बात कर रहे थे, चाची ऐसे बात है, उससे फोन भी छीन लिया उन्होंने, तो बता रहे हैं कि लड़की ने फोन किया था और बताया था कि उनके सर में चोट लगी है कुछ ऐसा, हाँ उन्होंने अपनी मम्मी को बताया था किसी से फोन लेके मांग कर, पहले भी मारपीट की थी? हाँ मैडम पहले भी करी थी। कितने साल पहले शादी हुई है? सर 3 साल हुई है शादी को। लड़की की उम्र क्या थी अभी? 22-23। हाँ जी, फिलहाल आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी उम्र है, हालांकि कुंजपुरा थाना से जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है, क्या जो है ससुराल के जो पक्ष हैं क्या अब तक उन लोगों को बुलाया गया है, किसी तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है, आप लोगों ने कोई अभी शिकायत दी है अपनी तरफ से पुलिस? सर हमने शिकायत कर दी थी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, शिकायत दी है उसमें थाने में, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये
शिकायत लड़के के खिलाफ दी है, ना तो उनकी उन्हें पकड़ा है कुछ नहीं, वो तो मजे से घूमन लग रहा है। पूरे पूरे परिवार के खिलाफ दी गई जी हाँ, पूरे पूरे परिवार के साथ हमने खिलाफ दी है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है जी। सुसाइड नोट का पता चला है आपको कि कोई सुसाइड नोट जिसमें नाम लिखा हो? किसी का कुछ नहीं पता हमें, सिर्फ पुलिस वालों ने यही कहा है वहाँ की लड़की ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली और नुके चुन्नी से हमने वो काट रखिया, किसी ने वो काटा होगा ऊपर से चुन्नी से वो दराती और वो चुन्नी हमारे पास है, और हमें तो लड़की जमीन पर मिली थी। उनका कहना यह है और बाकी हमें कुछ नहीं पता, ना कुछ जानकारी हुई हमें इस चीज की जी, ना पुलिस वालों ने कुछ बताया, ना ससुराल वालों ने कुछ बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया। गरीब आदमी है, मजदूर आदमी, धक्के खाते फिर रहे इधर से उधर, उधर से उधर, अपनी बेटी की हमें नहीं हुए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सोनीपत के रहने वाले जी। हाँ जी, देख सकते हैं पूरा परिवार जो है सोनीपत से आया हुआ है। हालांकि जो पुलिस मौके पर पहुंची हुई है उनसे बातचीत करेंगे। कुंजपुरा थाना के अंदर जो है चुरनी गांव आता है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि अगर बात की जाए बेहद ही दर्दनाक ये हादसा रहा, एक बार बातचीत करेंगे जो यहाँ पर आईओ जाँच अधिकारी पहुंचे हुए हैं कि क्या कुछ इस मामले में पूरी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगातार जो ये मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कल भी ऐसा एक मामला सामने आया था जहां पर कुंजपुरा थाने के अंदर ही एक गांव लगता है, वहां पर भी एक महिला ने जो चरणजीत थी उन्होंने सुसाइड कर लिया था, और उनका भी कारण यही था कि वहां पर जो है ससुराल पक्ष के द्वारा उन्हें तंग किया जाता था। आज फिर से एक मामला सामने आया है जहां पर एक लड़की द्वारा सुसाइड कर लिया जाता है क्योंकि उसे भी तंग किया जा रहा था। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है, किसी तरीके का कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ या नहीं, ऐसे में पुलिस से ही पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या पूरा मामला है जो ये लड़की ने सुसाइड किया घर में? सर ये जो चुनी गांव का मामला बताया गया है, और ये सविता नाम की लड़की जो 2320 साल की लड़की है, तो इसका हैंगिंग का फिलहाल जो बताया गया है इनका जो देखने में आया है, बाकी पर्चा भी दर्ज कर दिया है जो मायके वालों की तरफ से उन्होंने एप्लीकेशन दी है, 304B का पर्चा दर्ज कर दिया गया है, और अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, अध्ययन किया जाएगा और न्याय दिलाया जाएगा, उचित कार्रवाई करी जाएगी। प्राथमिक जांच में मतलब परिवार के लोगों ने आपको क्या बताया है, कुछ उनको शक है किसी के ऊपर या किसी तरह की कोई बात उन्होंने बताई है? अभी ऐसी कोई प्रथम दृष्टि में ऐसी कोई बात नहीं आई है, ये सब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा और इन्वेस्टिगेशन का मामला रहेगा। लोगों के खिलाफ मामला अभी इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो पूरे परिवार पर लगाए हैं, जैसे देवर पर लगाया है, बेटे को लगाया है, माँ बाप पर लगाए हैं। चार के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। अभी जो इन्होंने बताया है कि इन लोगों ने इन्हें इसे पीड़ित किया है। कितने बच्चे हैं सर महिला के जिनकी मौत हुई है? अभी दो बच्चे हैं उनके, एक 3 साल के करीब है, एक साल के करीब बताया गया है। क्या कार्रवाई की जा रही है आज? पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, अभी उनके बाद आगे कार्रवाई जांच जारी करी जाएगी। सर महिला जिसकी मौत हुई उनका पति यहाँ पर है कि पुलिस ने भी उनको पूछताछ के लिए? अभी उनके पति जो है वो घर पर ही हैं, और जैसे भी एक बार ये हो जाए पोस्टमार्टम वगैरह उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।